हेलो एवरीवन, आज की इस रेसिपी में मैं शेयर करूंगी पाव भाजी रेसिपी, जिसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली थी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च एंड बरबटी। इसको एक एक करके मैंने सारा कुकर में डाल दिया था। सारी सब्जियां डालने के बाद फिर मैंने उसमें वाटर ऐड किया, उसमें हल्दी और स्वादानुसार नमक ऐड किया, देन उसको फिर मैंने बंद करके कुकर को गैस पे चढ़ाया। ये पकने के बाद का है जिसको मैंने मैश किया है पोटैटो मैशर से। सारी सब्जियां ऑल मैश कर लेंगे हम फाइन एंड देन फिर हम तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने तेल पे राई, जीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन, अदरक और मिर्ची का बघार लगाया है। देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज होना चाहिए। इसको पर्याप्त भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे लिटिल बिट हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अमचूर, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम अपना टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। फिर इसमें हम पोटैटो ऐड करेंगे। पोटैटो ऐड को फाइन मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला करीब 2 चम्मच। देन फिर हम इसमें पाव भाजी का जो हमारा मिक्सचर बना था वो डालेंगे हम, सब्जियों का जो मिक्सचर था वो। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा और पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। फिर इसको हम पोटैटो मैशर से अच्छे मैश कर लेंगे, एकदम बारीक बना लेंगे। देन इसमें हम धनिया पत्ती और नींबू डाल के मिक्स, और ये हमारी पाव भाजी बनके रेडी हो गई है।